वहीं श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ा सबूत हाथ लगा है। आफताब के बाथरूम में खून के ट्रेस मिले हैं और दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की अलावा सीएफएसएल से क्राइम सीन की जांच कराई थी। फॉरेंसिक जांच में आफताब के बाथरूम में खून मिलने की पुष्टि हुई है। साथ ही दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की पुलिस कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। आफताब की पुलिस कस्टडी आज खत्म होने वाली थी। आफताब को विशेष सुनवाई के तहत कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान आफताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी जो उसने किया वो बिना सोचे समझे गुस्से में किया। आफताब ने कोर्ट में कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहा है, उसने जहां शव के टुकड़े फेंके उसने उन जगहों की जानकारी दी। आफताब ने कहा कि वो सब कुछ सच बताएगा, लेकिन घटना को ज्यादा दिन हो जाने की वजह से वो कई चीजों को याद नहीं कर पा रहा है। आफताब के वकील के मुताबिक उसे ये सही तरीके से याद नहीं है कि उसने आरी कहां से खरीदी। आफताब ने तालाब का भी मैप बनाया है जहां उसने श्रद्धा का सिर फेंका था। पुलिस को मेहरौली से जबड़ा मिला, इसमें इससे पहले पुलिस ने सोमवार को मेहरौली के जंगलों से एक जबड़ा और कुछ हड्डियां बरामद की। दिल्ली पुलिस इसे लेकर एक डेंटिस्ट के पास पहुंची है ताकि ये पता लगाया जा सके ये जबड़ा श्रद्धा का ही है या नहीं। डेंटिस्ट इस जबड़े की जांच में जुट चुके हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी आफताब की हैवानियत सामने आती चली जा रही है। पुलिस लगातार दिल्ली से लेकर मुंबई तक मर्डर केस के राज खंगालने में जुट चुकी है, लेकिन न जाने आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस के कितने राज अब भी अपने सीने में दबाए हुए हैं। ऐसे में नार्को टेस्ट के जरिए अब जिहादी आफताब के 35 टुकड़ों का सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोपी आफताब को कौम से जोड़कर नया बवाल खड़ा कर चुके हैं। श्रद्धा जिसके 35 टुकड़ों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, आफताब से मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और जिहादी आफताब ने बड़ी बेरहमी से उसके 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद देश गुस्से में है। कातिल आफताब को सूली पर टांगने के लिए दिल्ली से मुंबई तक आवाजें उठ रही हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आफताब नाम का किलर नहीं बल्कि उसकी कौम नजर आती है। आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उनके आधार पर आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है, आग लगाना बड़ा आसान है। गहलोत साहब, एक बेटी के हत्यारे का कौन सा कौम होता है? अगर आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिए कि बेटी के 35 टुकड़े करने वाले हत्यारे की कौन सा कौम हो सकता है। लेकिन आपकी आंखों पर तो राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ है जिससे आपको ना तो राजस्थान की हिंदू बेटी का दर्द दिखाई देता और ना ही श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब का गुनाह। तभी तो जिस हत्याकांड से पूरा देश सुलग रहा है उसे महज एक हादसा बता रहे हैं, वो भी तब जबकि आफताब ने खुद 35 टुकड़े करने की बात कबूली है। ये घटना है, ये घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है कोई नई बात तो नहीं है। बीजेपी ने गहलोत के कौम को टारगेट करने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कांग्रेस की मुस्लिम परस्त राजनीति का खुलासा है। गहलोत जी, जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो अधर्म है क्या? 35 टुकड़े करना तो धर्म है क्या? और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति में आप इतने अंधे हो जाएंगे ये कल्पना नहीं की थी। शायद इसीलिए राजस्थान के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्याएं श्रद्धा मर्डर केस में जिस तरह से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अब नार्को टेस्ट के जरिए इस हत्याकांड के हर राज को सामने लाने की तैयारी है।
अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट मंगलवार को किया जाएगा, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब से 100 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे। वो सारे क्राइम से रिलेटेड कि कैसे कैसे फर्स्ट स्टेप से लेके कि कैसे कैसे उसने परफॉर्म करा इंसिडेंट को, इस हिसाब से जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे उस हिसाब से उसके क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में इसमें आफ्ताब के दिल, दिमाग और शरीर के कुछ हिस्सों में मशीनें लगाई जाएंगी, जो इससे पूछे जाने वाले सवालों के एक झूठ को पकड़ेंगी। झूठ बोलने पर P300 नाम का सिग्नल निकलता है, इससे पता चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है। P3 सिग्नल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट आरोपी के झूठ और सच बोलने का पता लगाते हैं। बहुत जल्द आफ्ताब के परिवार से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि श्रद्धा के दोस्त पूनम ने खुलासा किया है कि श्रद्धा को आफ्ताब जबरन नॉनवेज खिलाने की कोशिश करता था और मना करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई करता था। श्रद्धा की पिटाई के बाद आफ्ताब अपने पेरेंट्स के घर जाता था और आफ्ताब के माता पिता श्रद्धा को कन्विंस करते थे। उस दिन तो नॉनवेज खिलाने के लिए उसका झगड़ा हुआ था, जब उसने मुझे बोला कि मैंने पूछा क्यों मारा है आपको, ऐसे बताया कि मैं लिविंग में रहती हूँ एक लड़के के साथ में, उसने मुझे बहुत मारा है, मारता है, नेक्स्ट डे फिर अपने घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। हाँ, आफ्ताब के माँ बाप उसको समझाते थे और फिर वो फिर मतलब उनकी बात सुन लेती। इस हत्याकांड में आफ्ताब के अम्मी अब्बू शक के घेरे में इस वजह से भी, क्योंकि आफ्ताब ने अक्टूबर 2020 में जिस रेंट एग्रीमेंट के साथ मुंबई के वसई पश्चिम में C101 नंबर का मकान लिया था, उस पर आफ्ताब के माँ बाप के साथ आफ्ताब और श्रद्धा की फोटो है। बताया जा रहा है कि यहाँ आफ्ताब ने श्रद्धा को अपनी बेगम बताया था, जबकि दोनों की शादी तक नहीं हुई थी। ऐसे में अब पुलिस आफ्ताब के माता पिता से भी इस हत्याकांड के दबे हुए राज को खंगालने की कोशिश करेगी।